Hey guys, good morning and happy new year to all. This is the first day of 2022, and here I have picked this plant for our new year bonsai expedition. So if I talk about this plant, this is juniper, Juniper chinensis. If you visit any nearby nursery, so people call it cypress, junipers, and so on and so forth. No idea how many names we have. So we have so many varieties in juniper. If I talk about this one, so this is Juniper chinensis shimpaku, shimpaku juniper. Shimpaku is a Japanese name, so you can recognize it with broadleaf. As my understanding is, as far as I know, as of now. So please let me know in the comment box if I'm wrong or you have some better suggestion. So so very less people who knows about bonsai and making these art. सो यूजुअली मैं विजिट करता हूँ नर्सरी को जो भी मेरे आसपास में है और आई डोंट नो कि उसने बंदे ने पता नहीं क्यों इसको ख़रीद के अपने पास में रखा हुआ था क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई डिमांड नहीं है कोई जानता नहीं है इसको और इसका कोई भी स्पेशली एक दो पेड़ जो बचा भी था उसका वो उसने बेच दिए थे और ये काफ़ी तो 3 साल पुराना पेड़ उसने बताया था कि 3 साल पुराने पेड़ हैं यू कैन सी इन बाई इट्स ब्यूटिफुल सो द आइडिया इज़ हाउ आई एम इमेजिनिंग आई विल मेक अ ट्रिपल ट्रंक लाइक दिस सो इट वॉज अ 3 years ओल्ड प्लांट वेन आई सॉ इट सो मैंने तो देखते ही डिसाइड कर लिया था कि आई विल गो फॉर इट और मुझे नहीं पता था कि मुझे 150 रुपये में मिलने वाला है विच वॉज़ वेरी अमेजिंग सो यहाँ पर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी पीपल इसको पहचानते नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है बट एज ए बोनसाई आर्टिस्ट इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लांट हेलो गाइज यस दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस जूनिपर वीडियो सो एज आई प्रोमिस्ड इन द प्रीवियस पार्ट लाइक आई विल क्रिएट दीज जेंस So I made up like this, and this is my triple trunk, the three trunks. One is in this way, middle one is the leader, and this is the third one. So this is the gin I have created because this branch was going too far, and although I wanted to make it a little more shorter, but somehow I don't wanted to waste anything after this plant. And although I have pruned this much foliage. You can see it's all over there a lot of foliage but at least for the initial stage I have given some justice to the tree and so as I told you that there are still a lot of refinement required on this chains because I had just roughly did it today it was our first expedition but I want to give some more time to this plant in order to recover because it has also suffered a lot during this transit so jab ye recover ho jata hai then after almost 1 month hum isko dobara se iske refinement se kaam kar sakte hain and what will be like hum iski jo main trunk hai we will remove it wash it from here aur ye jo hamare gins hain hum isko aur refine karke and this is also the one we also have this three a smaller one if I show you 360 you can see एंड ये हमारा सबसे खूबसूरत जिन होगा जो हमें एक कंप्लीट लुक देगा मैंने इसको वायर करके अभी डिज़ाइन दिया है सो होपफुली 2 हफ्ते बाद मैं इसको रिमूव करके देन आई विल क्रिएट अ जिन जिन बनाने के लिए क्या हो इसमें कुछ बड़ा नहीं है आई जस्ट सिंपली हाफ कट द ब्रांच एंड टीयर इट आउट सो जो हम टीयर करते हैं इट लुक्स लाइक नेचर में जो ट्रीज होते हैं वो कभी स्ट्रगल करते हैं कुछ सूख जाते हैं कुछ ब्रांचेज चलती हैं कुछ सूख जाती हैं सो हम इमिटेट करते हैं सेम सिमिलर फैशन में कि हमारी ये कुछ ब्रांचेज थी जो इनिशियल ट्री था वो हमारा कुछ इसमें सूख गया है और बाकी जो है कुछ नई स्प्राउटिंग कुछ नई ब्रांचें फूटी हैं जैसे कि अगर हम इस ब्रांच की बात करें सो हम एज्यूम करते हैं कि इसको ये सबसे पहले इनिशियल ब्रांच थी जो कि चली और फिर बाद में किसी वजह से सूख गई फिर हमारा ये लीडर आगे ग्रो किया और ये बहुत अच्छा चल रहा था बट ये यहाँ पे आके यहाँ से सूख गया तो जब ये पार्ट सूखा हालांकि अभी इस पर वायरिंग है और इसको डिज़ाइन देना बाकी है जब मैं इसकी वायर रिमूव करूँगा और इस पर कुछ फिनिशिंग लेके आऊँगा इस वाले जिन पे सो ये ऐसा म्यूटेशन क्रिएट करेगा कि ये सूखने के बाद में हमारी नई ब्रांच जो है वो यहाँ से स्प्राउट हुई है और यहाँ से फिर ट्री का कंटिन्यूशन हुआ है ऊपर की तरफ सो इस तरह से ये हमारी इनिशियल मैं खुद इस पर अभी शॉर्ट नहीं था कि मैं इसको रोज़ देखता था ट्री को बट आई वॉज नॉट एबल टू मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट बट नाउ जब मैंने इसको टच किया तो आई एम फीलिंग आई एम कॉन्फिडेंट लाइक आई एम एटलीस्ट डूइंग जस्टिस टू दिस ट्री एंड द नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि वी हैव ऑल्सो शॉर्टन द हाइट ऑफ द प्लांट इफ यू कैन सी दैट सो अभी इसको भी हमने शॉर्ट किया है ये भी हमने ऑलरेडी काफ़ी इसकी हाइट थी शॉर्ट की थी हालांकि मुझे इसका रिपेंटेंस है कि मैंने इसको तोड़ के अलग कर दिया है ये मैं यहाँ से इस हाइट का एटलीस्ट इस हाइट का एक चिन्ह
यहाँ पे भी दे सकता था, तो इसके और इसके जिन के साथ में बहुत खूबसूरत होता था, बट नो इशू, दैट इज हाउ वी लर्न, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन, विल थिंक अबाउट इट लेटर. सो अभी हमें क्या करना है, दैट इज ऑल गुड, हमें अब इसकी पैडिंग पे काम करना है. वी विल सेलेक्ट फ्यू ब्रांचेस और हम इसको पैडिंग में वायर करेंगे, देन आई विल शो यू दैट द फाइनल लुक इन द थर्ड पार्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर द सेकेंड पार्ट, कीप वॉचिंग, विल सी यू इन द थर्ड पार्ट. बाय बाय गाइस. सो मैंने रिपोर्टिंग के लिए बास्केट यूज़ की है, काफ़ी गहरी है. अभी इसको बोनसाई पोर्ट में तो हम रिपोर्ट नहीं कर सकते थे. और ये हमारा रूट बॉल है विद अ गुड एंड हेल्दी नेबारी. सो लेट्स सी इसमें कैसा लगता है. नाइस, काफ़ी स्पेस भी मिलेगा क्योंकि मुझे अभी ये जल्दी से जल्दी ग्रो कराना है. और आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक इस स्पेस में मुझे सारे पैड्स, इनिशियल पैड्स एटलीस्ट मिल जाए. मैंने इसके रूट बॉल को ज़्यादा टच नहीं किया है. एज यू कैन सी, ये लगभग लगभग सारा ऐसा ही है जैसा स्पॉट से निकला था. मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया है क्योंकि अगर मैं इसको ब्रेक नहीं करूँगा तो ये इसी तरह से माउंटेन की तरह रहेगा. तो इसको थोड़ा ब्रेक किया है ताकि इसकी जो न्यू स्प्राउटिंग होगी, अभी मार्च, इट्स ऑलमोस्ट लाइक जनवरी, ऑल दो ये जो टाइम है इट वॉज नॉट आइडियल टाइम फॉर रिपोर्टिंग, बट जस्ट जस्ट बुकिश थे. आई रियली डोंट फॉलो दीज गाइडलाइंस और रूल्स. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड यू नो सम हॉर्टिकल्चर एंड यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल नॉट हार्म योर प्लांट्स, सो दैट्स फाइन. एवरी सीजन यू कैन रिपोर्ट एनी टाइम, इट्स ऑल अप टू यू. सो ये मैंने मैश वाला इस बार यूज़ किया है बास्केट. ये इसलिए किया है क्योंकि रूट बाउंड जो है इसमें रूट्स का रेमिफिकेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ से हमें पूरा प्रॉपर एयर मिलता है और ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छा रहता है. बिल्कुल भी पानी नहीं रुकता है, दैट मीन्स आपका रूट रॉटिंग नहीं होगा. और मैं इसके नीचे एक, मैं ड्रेनेज के लिए कुछ खास यूज़ नहीं कर रहा हूँ. यूजुअली लोग एकेडमा एंड मार्बल्स वगैरह यूज़ करते हैं, बट इट इज़ फाइन, आई एम ओके विद इट. अभी स्टार्टिंग है तो आई ट्राई टू मेक दिस प्रोजेक्ट वेरी चीप, लाइक एज सून एज चीप एज आई कैन मैनेज, इट्स फाइन. सो दीज आर दी कोकोपीट फाइबर्स आई एम यूजिंग इट. तो मैं इसको हल्का सा एक क्लेयर की तरह यूज़ कर रहा हूँ ताकि यहाँ से ज़्यादा मिट्टी बाहर ना आए. सो लाइक दिस, और बॉटम में तो मैं इसको ऐसे ही स्प्रेड कर रहा हूँ. इट इज़ ऑलमोस्ट फाइन, आई ट्राइड सो मेनी टाइम्स दिस, सो देयर इज़ नो हार्म, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस. So that is the best part, when you have done something, you have your own experience, so you don't afraid applying those things. So ये हल्का हल्का यहाँ पे शावरिंग टाइप. मैं चाहता हूँ थोड़ी मिट्टी भी बाहर निकले, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसको बाद में मैं रिप्लेस करता रहूँगा अपने कंपोस्टिंग, बट इतने भी ना निकले कि रूट्स जो है वो विजिबल हो जाएं. तो एक हल्की सी लेयर मैं इसको सपोर्टिंग में दे रहा हूँ. ये बहुत अच्छा काम करता है ड्रेनेज का. सॉइल मिक्स की अगर हम बात करें तो मैं कुछ स्पेशल नहीं डाल रहा हूँ. मैं 50% कोकोपीट का यूज़ कर रहा हूँ एंड रिमेनिंग्स आर 50% लाइक 50% इज काउ डंग कंपोस्ट. आई एम नॉट यूजिंग गार्डन सॉइल हियर. नो स्पेसिफिक रीजन व्हाई आई एम नॉट यूजिंग गार्डन सॉइल, इट इज़ फाइन, आई हैव सफिशियंट सॉइल ऑन दिस रूट बॉल, सो इट इज़ फाइन. And this is my compost and a cocopit, 50-50%, both, nothing else. For carbon, I have included some ash, जो घर का बचा हुआ थोड़ा राख होता है. I somehow managed and I'm just filling it up. Let's see the depth. क्या इसकी depth हमें रखनी है? अभी हमें थोड़ा स्पेस और फिल करना है ताकि ये हम रूट्स विजिबल ही रखेंगे. एक अच्छी निबारी के लिए ज़रूरी है कि हम रूट्स को जितना ज़्यादा हो सके उतना विजिबल रखें. इट लुक्स फाइन नाउ. इट्स गुड नाउ. लेट्स चेक द एंगल. It is in middle, slanting to the back, थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे. I'm just checking my potting angle. I think it's very necessary to grow your plant. How it will look like, it should be decided prior to pot. Okay, now look at the rear side. This is also fine. All good. Yeah.